बीएम शाह हॉस्पिटल ने एक बार फिर अपनी बेहतर चिकित्सकीय प्रणाली के तहत बिना सर्जरी किए मरीज के हाथ का सफल उपचार किया है। पेश है खास रिपोर्ट। बीएम शाह हॉस्पिटल एसएमसी में कार्डियोलॉजी विभाग ने कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस तकनीक के माध्यम से सफलतापूर्वक इलाज करने में सफलता हासिल की है। बता दें, कैलाश नगर भिलाई निवासी गिरिजा शंकर के बाएं हाथ के दर्द, सूनापन, हाथ का काम न करना एवं हाथ ढीले पड़ने से परेशान होकर बीएम शाह हॉस्पिटल का रुख किया और यहां वे भर्ती हो गए। हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव जैन की निगरानी में मरीज की सभी जांच की गई, जिसमें सिटी स्कैन में पाया गया कि मरीज को एक्यूट ब्रेकियल आर्टरी थ्रोम्बोसिस, मुख्य नस ब्रेकियल आर्टरी में खून का थक्का जमने की बीमारी थी। तब डॉक्टर गौरव जैन ने मरीज एवं मरीज के रिश्तेदार को कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस के विधि के बारे में बताया। इस विधि में मरीज के पैर की नस से तार कैथेटर डालकर हाथ की नस तक पहुंचाकर तार कैथेटर के माध्यम से खून पतला करने की दवाई डालकर खून का थक्का जहां जमा था वहां सीधे दवाई डालकर 24 घंटे के भीतर थक्के को बाहर निकाला। डॉक्टर गौरव जैन ने बताया कि इस बीमारी का इलाज समय पर नहीं कराने से हाथ काटने की आवश्यकता तक पड़ सकती है। दूसरे हॉस्पिटल में मरीज को सर्जरी की सलाह दी गई, परंतु बीएम शाह हॉस्पिटल पहुंचे पेशेंट को कार्डियोलॉजिस्ट ने सफलतापूर्वक मरीज के बिना सर्जरी किए कम दरों पर उचित इलाज कर दिया और मरीज की हाथों की नस खोल दी एवं दूसरे दिन ही मरीज का हाथ काम करना शुरू भी कर दिया। बता दें, ये सब संभव हो सका बीएम शाह हॉस्पिटल के कैथ लैब में मौजूद आधुनिक उपकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं टीम की कड़ी मेहनत और उचित देखभाल से। जी, इसके हाथ में जो समस्या थी वो 2-3 दिन से बहुत परेशान थी। परेशानी की वजह से ना कोई सर एक ये कि न्यूरो सर्जन के पास दिखाओ, तो किसी गुप्ता सर के पास दिखाए, वहाँ उन्होंने जांच पड़ताल की, उसके बाद सर को एडवाइस दिए कि वहाँ जा कर के दिखाओ करके, फिर यहाँ लाए ना, तो यहाँ सर के माध्यम से जो सुझाव दिया गया कि इंजेक्शन वगैरह के बाद, तो फिर एडमिट किए और एडमिट करने के बाद फिर यहाँ अच्छा से उपचार हुआ और यहाँ तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन से हूँ, किसी प्रकार की कोई तकलीफ किसी के द्वारा नहीं हुआ। सुविधा कैसी है? सुविधा यहाँ बहुत अच्छी सुविधा मिली, नर्सेस का, वार्ड बॉय का, डॉक्टर साहब का, सबका अच्छा सहयोग मिला है। मरीज़ जो है कैलाश नगर निवासी 38 साल का पेशेंट है, जो 3 दिन पहले जब सुबह उठा तब अचानक से उसको पता चला कि उसकी जो बाएँ हाथ जो है उसका बाएँ हाथ काम नहीं कर रहा था, नीला पड़ चुका था और सुन्न था। तो ये कंप्लेंट को लेके वो फिर हमारे पास बीएम शाह हॉस्पिटल में आए, फिर हमने जांच की, सीटी स्कैन वगैरह किया, उसमें पता चला कि जो बाएं हाथ की जो मेन नस है वो ब्लॉक है, वहाँ पे बहुत बड़ा क्लॉट मतलब खून का थक्का जमा हुआ है। तो कैसे जमा हुआ था, क्या कुछ चोट लगी थी पहले, क्या नहीं? कोई भी चोट नहीं थी और पुरानी कोई भी हिस्ट्री नहीं थी, और उससे इससे पहले वो कभी नस जाम होना ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, वो भी इतने यंग पेशेंट में बहुत ही कम देखने को मिलता है ये, तो उसका कारण कुछ बहुत ही कम कारण होते हैं जिनके ब्लड टेस्ट हमने भेजे हैं और रिपोर्ट उसका अवेटेड है। बट रिपोर्ट का वेट नहीं कर सकते थे हम लोग, इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा भी डीले होता है तो फिर हाथ को काटने तक की भी नौबत आ जाती है, तो नस को तुरंत हमें वो खोलना पड़ता है। कभी पेशेंट स्वस्थ है? पेशेंट पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसका जो नस है पूरी तरीके से खुल चुका है और कल डिस्चार्ज होने वाला है। मेरा जो लेफ्ट हैंड है उसमें जो है ब्लड क्लॉटिंग हो गया था, यहाँ पे कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर का है ना, उस समस्या को लेके मैं आया था और मेरा हाथ जो है पूरा ठंडा था, पूरी तरह से ठंडा हो गया था और क्लॉटिंग की वजह से पूरा ये ब्लड जो है नीलापन आ जा रहा था हाथ में और एनी टाइम ठंडापन महसूस हो रहा था। तो चार पाँच दिनों से समस्या थी, रिपोर्ट टेस्ट वगैरह कराया बहुत सारे मुझे, तो टेस्ट कराने के बाद पता चला, सर के पास आया मुझे, तो सर बताया कि ये प्रॉब्लम है तो आपको जो है इंजेक्शन के माध्यम से मुझे 24 घंटा आपको इंजेक्शन देंगे आईसीयू में रख कर, और इंजेक्शन के माध्यम से इसको आपके क्लॉटिंग को ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा जी, और उसके बाद देखते हैं, और ये अच्छा उपाय है, सबसे बेस्ट उपाय यही है, ये बताया गया मुझे। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है करा लिया जाए, तो कराया तो उसका 24 घंटा पूरा रेगुलर इंजेक्शन चला है। इंजेक्शन चलने के बाद फिर
क्लॉटिंग का बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा यहाँ का साफ हो गया है और कुछ हल्का से यहाँ बचा है, बोल रहे थे तो ब्लड जो है दवाई दिए हैं, दवाई से साफ हो जाए करके बता रहे हैं डॉक्टर साहब। तो इस तरह से जो है बहुत ही अच्छे ढंग से डॉक्टर जैन जी ने मेरा उपचार किया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ताकि भाई क्योंकि ये हाथ बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रहा था मुझे, उस तकलीफ़ से मैं मुझे दूर किया, उस तकलीफ को दूर किया गया है उनके द्वारा, इसके लिए हृदय से आभार है उनका। सुविधाएँ तो आईसीयू में मैं रहा दो दिन तक, तो अच्छा रहा वहाँ। मतलब भाई अब हमारे परिवारजनों को तो समय समय पर आने दिया गया, लेकिन वहाँ की जो नर्सिस स्टाफ हैं है ना, उन्होंने अच्छा काम किया है, बिल्कुल सहयोग करते थे। यहाँ तक भोजन वगैरह के समय भोजन भी स्वयं कराते थे है ना। और वार्ड बॉय लोगों ने बहुत मुझे बहुत समस्या हो रही थी, तो वार्ड बॉय लोगों ने बहुत मदद किया है ना, तो इसके लिए उनका भी मैं बहुत आभारी रहूँगा। हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जय तिवारी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी विमल कुमार मल्होत्रा ने हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट एवं कैथ लैब टीम को दिल से शुभकामनाएं दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए हर्ष सोनी के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट।